हेलो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है, उसके बाद समतल दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण क्या होता है। तो दर्पण में जब कांच की एक सतह को पॉलिश कर दिया जाता है तो वहां पर दर्पण का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जो दर्पण होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप में होता है समतल दर्पण, प्लेन मिरर। उसके बाद होता है गोलीय दर्पण, यानी इसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर। अब हम बात करते हैं समतल दर्पण। तो इसमें स्ट्रेट या सीधा कांच होता है, इसकी एक सतह को पॉलिश कर दिया जाता है जिससे हमारी समतल दर्पण का निर्माण होता है। उसके बाद हम गोली दर्पण की बात करें तो इसमें एक कांच का खोखला गोला होता है जिसकी दो सतह इसको डिवाइड करते हैं। इसमें फर्स्ट होता है अवतल दर्पण, उसके बाद सेकेंड होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है कि इसके उभरे हुए भाग को पॉलिश किया जाता है और दबे हुए भाग पर प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में प्रकाश किरणें उभरे हुए भाग पर जाती हैं और दबे हुए भाग को पॉलिश किया जाता है। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं समतल दर्पण। तो इसमें फर्स्ट हम देखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा किस तरह से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और पार्श्व उल्टा बनता है, अर्थात लेफ्ट का राइट दिखना और राइट का लेफ्ट दिखना। उसके बाद बेहद इंपोर्टेंट टॉपिक है झुके हुए दो समतल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और हाई स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसमें दो कंडीशन होती हैं, जब 360 अपॉन थीटा सम पूर्णांक हो और जब 360 अपॉन थीटा विषम पूर्णांक हो। तो इसमें प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात की जाती है। तो इसमें जब 360 अपॉन थीटा सम पूर्णांक है तो प्रतिबिंबों की संख्या होती है n बराबर 360 अपॉन थीटा माइनस 1 से हम प्रतिबिंबों की संख्या निकाल लेते हैं, अर्थात नंबर ऑफ इमेज पता कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड कंडीशन इसकी, जब 360 अपॉन थीटा बराबर विषम पूर्णांक हो तो इसमें दो संभावनाएं बनती हैं। इसमें फर्स्ट संभावना क्या बनती है, जब वस्तु सममित रूप से रखी हो, अर्थात ये हमारा एक दर्पण ए है समतल दर्पण, एक दूसरा समतल दर्पण ए है और हमारी यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है यहाँ पर, तो ये इक्वल एंगल पर रखी होती है, यानी कि जितना एंगल इस दर्पण से बनता है उतना ही एंगल इस दर्पण से बनता है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब की संख्या, नंबर ऑफ इमेज की संख्या ज्ञात करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, एन बराबर 360 अपॉन थीटा माइनस 1। अब क्या है इसमें सेकंड कंडीशन है, जब वस्तु असममित रूप से रखी हो, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक बोलते हैं, इसको एसिमेट्रिक बोलते हैं। तो जब वस्तु असममित रूप से रखी हो तब प्रतिबिंबों की संख्या होती है एन बराबर 360 अपॉन थीटा होती है। नंबर ऑफ इमेज अर्थात प्रतिबिंबों की संख्या हम इस फार्मूले के थ्रू निकाल लेते हैं। यहाँ अगर फिगर की बात करें तो फिगर में देखें कि ये हमारी वस्तु रखी हुई है, तो यहाँ पर क्या है इसका एंगल कोण दूसरा बन रहा है, ये हमारा दर्पण है, ये हमारे दो दर्पण हैं जो अलग अलग एंगल पर वस्तु से असममित रूप से झुके हुए हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंबों की संख्या हो जाती है एन बराबर 360 अपॉन थीटा। पढ़ाया आपको समतल दर्पण के बारे में, अब मैं पढ़ाऊंगा आपको गोलीय दर्पण के बारे में। तो ये है हमारा अवतल दर्पण और ये है हमारा उत्तल दर्पण। अब हम इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में समझते हैं कि इसमें सी क्या है, एफ क्या है, पी क्या है और इस तरह से एरो बना है ये क्या है। तो इस सब के बारे में डिटेल से डिस्कशन करते हैं। तो इसमें जो ये लाइन खींची हुई है इसी तरह से उत्तल दर्पण में ये लाइन बनी हुई है, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस अर्थात मुख्य अक्ष बोलते हैं इसको। उसके बाद हम बात करते हैं सी, तो ये क्या है कि सेंटर ऑफ स्फीयर, गोले का ये केंद्र है, इस सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं किसकी, एफ की,
यहाँ पर ये एफ है और इसी तरह से यहाँ पर एफ है, तो इसको बोलते हैं फोकस। फोकस अर्थात अगर किरण प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और जहां पर एक दूसरे को कट करती हैं तो वहां उसको बोलते हैं फोकस। उसके बाद हम बात करते हैं पी की, तो इसको बोलते हैं, यहाँ पर भी पी है तो इसको बोलते हैं पोल, अर्थात इसको बोलते हैं दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। उसके बाद यहां से और यहां, इसमें भी उसी तरह से यहां तक की दूरी को बोलते हैं दर्पण का द्वारक, इसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक। और ये एरो है, ये एरो ये प्रकाश किरण को शो करता है, इस अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश किरण इस डायरेक्शन से आकर के दर्पण से ये स्ट्राइक कर रही है, टकरा रही है, उसके बाद ये परावर्तित हो रही है और ये पॉइंट एफ पर प्रतिबिंब का निर्माण कर रही है। तो स्टूडेंट ये तो थी हमारी दर्पण की टर्मिनोलॉजी कि किस तरह से हम कौन कौन से शब्द का यहाँ पर यूज करते हैं। तो हमारा वीडियो आपको पसंद आए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।